जिनकी आवाज सुनकर बाला साहेब ठाकरे ने फोन लगा दिया था, जिनकी आवाज सुनकर टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने इन्हें दूसरी लता का नाम दे दिया था। वो अनुराधा पौडवाल कौन है, जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वो सियासत में उतरने जा रही हैं। पर हम आपको कुछ ऐसे अनसुनी कहानियां सुनाते हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। 90 की दशक में कोई भी भक्ति गाना बजता तो उसमें आवाज होती अनुराधा पौडवाल की। लोग उन्हें कहते हैं कि ये दूसरी लता मंगेशकर बनेगी, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ फैसलों ने उनको जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया। फिलहाल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन अनुराधा पौडवाल का निजी जीवन त्रासदी से भरा रहा। बावजूद इसके वो भक्ति से कभी दूर न गई। पहले पति छिना, फिर प्रेमी और फिर नौजवान बेटा। वक्त के थपेड़े झेलते अनुराधा ने जीवन का सफर आगे बढ़ाना जारी रखा। 27 अक्टूबर 1954 को ही अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ था। उन्होंने कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है। अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म अभिमान से की थी। इसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें पहचान साल 1976 में रिलीज हुई निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक समय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल गायिका बन गई। कुछ सफल फिल्मी गानों के बाद 1981 में अनुराधा पौडवाल एक ज्योतिष से मिली थी, जिसने तब कहा था कि वो भक्ति संगीत में एक क्रांति लेकर आएंगी। अनुराधा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब उनकी फिल्म हीरो हिट हुई तब उन्हें और भी गाने मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हालात बदल चुके थे। मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बन रही थी और बहुत कम सिंगल या ड्यूट सॉन्ग उनमें होते थे। वो इन सबसे खुश नहीं थी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर विचार करने लगी थी। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अनुराधा कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई। माँ से प्रार्थना का परिणाम ऐसा हुआ कि इसके तुरंत बाद पौडवाल को एक कैसेट लॉन्च में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार ने उन्हें टी सीरीज के लिए गाने के लिए कहा और इसके बाद आगे जो हुआ वो इतिहास ही बन गया था। 1990 में आशिकी और दिल, 1991 में दिल है कि मानता नहीं और साजन, और 1992 में बेटा की अपार सफलता के साथ उस शिखर को छुआ जिसके लिए वो तरसती थी। एक इंटरव्यू में अनुराधा पौडवाल कहती है, उनका पहला देवी गीत आऊंगी आऊंगी अगले बरस में आऊंगी जब दिल्ली में रिलीज हुआ तो एक घंटे में 90,000 से अधिक कैसेट बिक गए थे। जिन वैष्णो देवी पर ये गीत था, मैं तब तक उनके मंदिर वैष्णो देवी धाम भी नहीं गई थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जयकारे कैसे करते हैं। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ उनके कथित संबंधों की खबरें भी खूब पढ़ी जाती रही। इन अटकलों पर दोनों ने कभी सफाई नहीं दी। माना जाता है टी सीरीज के मालिक दिवंगत गुलशन कुमार ने ही अनुराधा की तलाश की। ऐसा कहते हैं गुलशन कुमार उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। वो दौर ऐसा था कि अनुराधा की आवाज लता से मेल खाने की वजह से लोग अनुराधा को ही दूसरी लता मानने लगे थे। यहाँ तक कि संगीतकार ओपी नैयर ने उस वक्त कहा था कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है। गुलशन कुमार ने ही अनुराधा को एक के बाद एक कई गाने दिए, जिन्हें गाकर अनुराधा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। इसी बीच दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी चर्चा में रही, लेकिन दोनों ने कभी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी वक्त अनुराधा से एक ऐसी गलती हो गई जिसने उनके जीवन को बदल दिया। जिस वक्त अनुराधा को इंडस्ट्री की अगली लता कहा जा रहा था, तब तकदीर ने उनके हिस्से में शायद कुछ और ही लिख डाला था। अनुराधा ने इसी वक्त टी सीरीज और गुलशन से लगाव की वजह से ऐसा फैसला कर लिया जिससे उनके करियर ने यू टर्न ले लिया। अनुराधा जब अपने करियर के उफान पर थी, तभी उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि अब वे सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। यही फैसला उनके लिए लक्ष्मण रेखा बन गया। सालों बाद गुलशन कुमार की हत्या से अनुराधा टूटी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी गाने गाना ही छोड़ दिया। कहते हैं अनुराधा की शादी अरुण पौडवाल संग हुई थी। अरुण एसडी वर्मन के असिस्टेंट थे और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। दोनों के दो बच्चे आदित्य और कविता हुए। अरुण पौडवाल की जब अचानक मौत हुई तो अनुराधा अकेली पड़ गई थी। वो अकेली ही बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही थी। इसी के बाद उनकी मुलाकात गुलशन कुमार से हुई। अकेली हो चुकी अनुराधा को गुलशन ने सहारा दिया और वो उनकी ओर झुकती चली गई। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई है और उनको टिकट देने के बजाय स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। वो कर्नाटक की रहने वाली है, जहां बीजेपी को उनकी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।